अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप कर पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले जो कुवैत से दोस्तों खबर जो आ रही है वो पाकिस्तान एयरलाइंस और कुवैत एयरवेज की तरफ से आ रही है। खबर दोस्तों क्या है, पाकिस्तान एयरलाइंस ने 5 महीने के अंतराल में बाद कुवैत के साथ उड़ानें फिर से शुरू की है। दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान एयरवेज और कुवैत एयरवेज के बीच में कुछ दिनों से विवाद चल रहा था किसी वजह से, जिसकी वजह से सही से फ्लाइटें 5 महीने से नहीं चल रही थी। तो दोस्तों ये जो है फिर से स्टार्ट हो चुका है 5 अक्टूबर से। तो खबर ये है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज ने 5 महीने के अंतराल के बाद सोमवार से अपना परिचालन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कुवैत देश ने महामारी की स्थिति कारण लगाए गए प्रतिबंध हटा दिया गया है। दोस्तों जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे हटा दिया गया है। तो एक पाकिस्तानी अखबार ने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज ने कुवैत पाकिस्तान के बीच प्रति सप्ताह 2 उड़ानों के साथ अपना परिचालन शुरू कर दिया गया है। पीआई के और सीआई के अरशद मलिक ने इस ट्वीट को हवाई संचालन फिर से शुरू करने का सक्रिय भूमिका निभाने का पाकिस्तान के उद्यान मंत्रालय सचिव उड्डयन के विमान विभाग का धन्यवाद दिया है। तो दोस्तों जितने भी वहाँ पे पाकिस्तानी भाई हैं, जिन लोग परेशान हो रहे थे कुवैत आने के लिए या कुवैत से पाकिस्तान जाने के लिए, तो फ्लाइटें आपका स्टार्ट हो चुका है। आप टिकट को बुकिंग करा सकते हैं कुवैत एयरवेज में, जजीरा एयरवेज में, या फिर आपका जो पाकिस्तान पीआई है पाकिस्तान एयरवेज, तो इसमें भी आप टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। आपकी फ्लाइट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है सोमवार से ही। अगली खबर साथियों जो आ रही दोस्तों, ये खबर तो वैसे 2-3 दिन पहले की है, पर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कमेंट करके पूछा था कि भाई बताइए कि वीज़ा कौन कौन से सेक्टर में स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, कुवैत रीओपन वीज़ा फॉर जॉब रिलेटेड फूड सिक्योरिटी। यानी दोस्तों खाने पीने की चीज़ों में जितना भी आता है डिपार्टमेंट, चाहे वो बेकरी हो, खाने पीने की दुकान हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, या फिर पानी बोतल का पैकिंग का सामान हो, तो दोस्तों ये सब चीज़ों में ही अभी कुवैत का वीज़ा को स्टार्ट किया गया है। बाकी अभी कोई वीज़ा स्टार्ट नहीं किया गया है, तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान देना है। अगली खबर साथियों जो आ रही है, फिलीपींस की नौकरानी ने हिरासत में की आत्महत्या। दोस्तों एक फिलीपिनो की नौकरानी ने वहां पे जेल में ही आत्महत्या कर ली है। दोस्तों खबर यह है कि फिलीपींस की एक महिला जिसकी उम्र 43 वर्ष की थी, जो कि जहरा थाने में एक कोठरी के अंदर अपने ही कपड़े से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोस्तों उसे किसी कारण उसे गिरफ्तार करके लाया गया था, एक रूम में रखा गया था, जिसकी वजह से अब वो उसकी वजह से दोस्तों वो अपने ही कपड़े को दुपट्टा से लेकर वो अपने आप को सुसाइड कर लिए, और दोस्तों फिलहाल उसकी मौत की पुष्टि कर दी गई है। उस थाने में लाया गया था क्योंकि उसके पास अपना व्यक्तिगत पहचान पत्र नहीं था। दोस्तों जो कैंपेनिंग चलाई जा रही है कुवैत में, उसके वजह से उसको लाया जा रहा था इलीगल के तौर पे। तो फिलहाल दोस्तों उसकी वो अपने आप को सुसाइड कर ली है, और वहां पे कोई कैमरा भी लगा हुआ नहीं था, इसलिए उसे नहीं बचाया जा सका। तो दोस्तों फिलहाल ये रिपोर्ट जो आई है ये ट्वीट करके पुलिस की तरफ से भी ये बताया गया है। अब अगली खबर साथियों जो आ रही दोस्तों, ये उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो बाइक डिलीवरी का काम करते हैं, यानी दोस्तों बाइक से जो डिलीवरी सामान पहुंचाने का काम करते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि उस पर लेकर पाबंदियां लगाई गई थी। तो दोस्तों फाइनली वहां पे कल के दिन मीटिंग के दौरान ये बताया गया है, और वहां पर बोला गया है कि 7 नवंबर 2021 तक दोस्तों वहां पर डिलीवरी का सारा चीज वो प्रतिबंध रहेगा। यानी हाईवे रोड से जो बाईपास रोड मेन सिटी से जो जाते थे, यानी कुवैत सिटी से होकर दोस्तों या बाईपास रोड होकर, उनको फिलहाल अभी बैन करने का आदेश कुवैत हुकूमत की तरफ से दे दिया गया। यदि दोस्तों आपको कोई जानकारी चाहिए तो इसमें आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं या ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साइड में दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी है 9932409090, इस पर व्हाट्सअप करके कोई जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों।